रहमान रहीम। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब बिना खिलते तो कयामत करते। मैंने चंद दिन पहले फेसबुक पे एक छोटा सा मैसेज देखा था भारत के एक फौजी का, और मुझे बहुत दुख हुआ उसकी बातें सुन के। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहूँगा मोदी सरकार साहब से और वो जवान से। एक तो आपको खाना पूरी तरह मिलता नहीं है और आप चले पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। ओ भाई अपने मोदी सरकार से इतना तो पूछ लो कि सारी ज़िंदगी वो चाय बेच बेच के आज अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो आप उसकी बातों में आ रहे हो, ठीक है। और मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ, हम तो यहाँ पे ये देखो बर्फ़ हो रही है, यहाँ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। बच्चे जब दिल करे जब भी कहे, मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ। और जिस तरह हम कह रहे थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे मोदी बता दे, तुझे मोदी बताएगा तू अपने घर जाएगा या हमारे पास लड़ने के लिए आएगा? हमें बच्चे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी हमारे मुल्क पे किसी की तरफ से आँच आने की कोई हुई ना तो हमें किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो क्या, जब हमने ये कुत्ता भेज दिया ना, ये कुत्ते को देख लो, तो आप लोगों के लिए ये कुत्ता ही काफ़ी है भाई, मेरे आने की या हमारे किसी फौजी के आने की ज़रूरत नहीं। ओके, अपना ख्याल रखना।